100% इस बार बदलाव होगा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब की बार बनेगी, क्योंकि इन लोगों ने जिस प्रकार की लूट मचाई है, दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की बात करने वाले लोग, आप उत्तम नगर विधानसभा की मैं बात करूं, किसी कोने में चले जाओ, किसी गली में चले जाओ, आप चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हैं, गंदे पानी की निकासी है नहीं, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। विधायक को फ़ोन करो तो विधायक कभी विदेश में रहता है, कभी किसी गुंडों के साथ साठगांठ करता है। अगर पिछले 10 साल में विधायक ने कोई काम किया, अगर उसकी उपलब्धि कोई है, तो यहाँ पर गैंगवारी लेकर के आना, यहाँ पर वसूली करवाना, गैंगस्टरों के साथ मिलकर के अवैध वसूली का कारोबार यहाँ के विधायक ने चलाया है। पिछले 10 साल से दिल्ली में कोई नया राशन कार्ड नहीं बन रहा, पिछले 10 साल से दिल्ली में कोई नई पेंशन नहीं लागू हो रही, तो हम वो सब काम करेंगे। और दिल्ली में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी तो दिल्ली के रुके हुए विकास कार्य और उत्तम नगर जो नरक बन चुका है, नाम उत्तम है लेकिन नरक का जीवन लोग जी रहे हैं, उससे बहुत जल्दी छुटकारा हम लोग दिलवाएंगे। इतना निवेदन करता हूं, अब की बार दिल्ली में भी भाजपा सरकार। सर, हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ जहां पर भाजपा को जीत मिली है, उसके बाद दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हरियाणा के लोगों ने मोदी जी के जो काम है उस पर मोहर लगाई है। भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार की नीतियां हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। और जहां तक दिल्ली की बात है, तो मैं ये मानता हूं कि हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ राज्य है और बहुत सारे लोग हरियाणा के दिल्ली में भी रहते हैं, तो इसका स्वाभाविक है पॉजिटिव असर दिल्ली में रहने वाला है। और दिल्ली में अब की बार भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करते हुए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कि अरविंद केजरीवाल अपने फेस पे चुनाव लड़ेंगे फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको कैसे देखते हैं आप? अरविंद केजरीवाल के फेस को लोगों ने देख लिया है, 3 बार देख लिया। दिल्ली में जिस प्रकार से झूठ बोलकर और लोगों को बहका करके दिल्ली की सत्ता में आए थे, अब दिल्ली के लोग समझ चुके हैं, ये लोग केवल और केवल भ्रष्टाचार करने के लिए आए थे। चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे उनके कोई भी मंत्री हों, सभी मंत्री, सारे विधायक किसी न किसी घोटाले में, किसी न किसी करप्शन में लिप्त हैं। अरविंद केजरीवाल, उनके सभी मंत्री जेल में गए। आज दिल्ली की जनता जिस प्रकार से, आज देश में पहली बार ऐसा हुआ, और मैं कह सकता हूँ देश में नहीं पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री जेल में रहते हुए, जिसने सरकार चलाने का काम किया हो, जेल जाने से पहले कोई इस्तीफा नहीं दिया, जेल जाने के बाद इस्तीफा नहीं दिया, ये तो मजबूरी के कारण, जब कोर्ट ने उसको आदेश किया कि आपको, आप मंत्रालय में नहीं जा सकते, आप मुख्यमंत्री का कोई काम नहीं कर सकते, तब जाकर के उसको मजबूरी के कारण इस्तीफा देना पड़ा। सर, आप उत्तम नगर विधानसभा में हैं और वहां से तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या जनता नाराज है अरविंद केजरीवाल की सरकार से, वर्तमान जो विधायक है उनके कार्य से? अरविंद केजरीवाल जेल में थे, अरविंद केजरीवाल के विधायक, चाहे उत्तम नगर के हों, चाहे आसपास के क्षेत्र के हों, सभी मस्त थे। लूट खसोट करने में जनता त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने पिछले 10 साल में कोई काम यहाँ पर उत्तम नगर में हुआ नहीं, चारों तरफ हाहाकार है, चारों तरफ सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर प्रत्येक गली में, सीवर इस प्रकार से उबल रहा है जैसे गंगा नदी बह रही हो, सड़कें टूटी हैं, नालियाँ जाम पड़ी हैं, पीने का पानी लोगों को मिलता नहीं। अगर हम अपने घर की टूटी खोलते हैं तो पीने का पानी इस प्रकार से आ रहा है जैसे सीवर में टूटी लगा दी गई हो, उसको पीना तो बहुत दूर की बात है, नहाते हुए भी इतनी बदबू आती है। बिजली की बात करके ये लोग आए थे दिल्ली को, बिजली फ्री देने की बात करके, सिवाय घोटाला करने के इन्होंने कोई काम नहीं किया। आज देश में अगर सबसे महंगी बिजली कही है तो वो दिल्ली में है। लोग इस बात को समझते हुए आज इस बात का इंतजार कर रहे हैं कब दिल्ली में चुनाव हो और इनके विधायकों को, केजरीवाल को, बाहर का रास्ता दिल्ली की जनता दिखाए। तो बदलाव का माहौल दिख रहा है दिल्ली और उत्तम नगर में? 100% इस बार बदलाव होगा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब की बार बनेगी, क्योंकि इन लोगों ने जिस प्रकार की लूट मचाई है, दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की बात करने वाले लोग, आप उत्तम नगर विधानसभा की मैं बात करूं, किसी कोने में चले जाओ, किसी गली में चले जाओ, आप चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हैं, गंदे पानी की निकासी है नहीं, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। विधायक को फ़ोन करो तो विधायक कभी विदेश में रहता है, कभी किसी गुंडों के साथ साठगांठ करता है। अगर पिछले 10 साल में विधायक ने कोई काम किया, अगर उसकी उपलब्धि कोई है,
तो यहाँ पर गैंगवारी लेकर के आना, यहाँ पर वसूली करवाना गैंगस्टरों के साथ मिलकर के, अवैध वसूली का कारोबार यहाँ के विधायक ने चलाया है। तो आप जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? स्वाभाविक है, लोग जब भी किसी जनप्रतिनिधि के लिए चुनाव में जाती है, जब किसी भी जनप्रतिनिधि को वोट करती है, तो क्षेत्र की जनता इस उम्मीद के साथ करती है कि उनकी सड़कें अच्छी बनेगी, उनके पानी की निकासी होगी, उनको पीने का पानी मिलेगा, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। ये केजरीवाल वही केजरीवाल है जिसने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर ढोल पीटा था। आज कहीं पर मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, पूरी विधानसभा में कोई स्कूल ऐसा नहीं है जो पिछले 10 साल में बना हो, कोई कॉलेज नहीं बना, कोई हॉस्पिटल नहीं बना, चारों तरफ हाहाकार है। विधायक को फ़ोन करो, विधायक फ़ोन नहीं उठाएंगे, उनके घर मिलने चले जाओ मिलता नहीं है। रही सही कसर इनके पार्षदों ने पूरी कर दी, कोई आदमी मकान बनाता है तो मकान बनाने के नाम पर चारों तरफ से लूट है, एक एक मकान बनाने पर 3-3, 4-4 बार पैसे मांगे जा रहे हैं। तो जनता इस बात का बदला आने वाले चुनाव में लेगी। नहीं, जो जैसे कहा जा रहा है कि उत्तम नगर में और दिल्ली में विकास हुई है 10 सालों में, सरकारी अस्पतालों में, स्कूलों में, क्या वो विकास आपके क्षेत्र में दिल्ली में आपको दिखता है? मैं अपने क्षेत्र की बात तो छोड़ दूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो पूरी दिल्ली में घूमते, पत्रकारिता करते हैं, कोई एक काम केजरीवाल का बता सकते हो पूरी दिल्ली में जो विकास के नाम पर किया हो? कोई ऐसी फ्लाईओवर बना हो, कोई हॉस्पिटल बना हो, कोई कॉलेज बना हो, कोई स्कूल बना हो? ये केजरीवाल के विधायक जो उत्तम नगर के विधायक है, इस बात को कहकर के आए थे कि हम उत्तम नगर टर्मिनल से लेकर भार मैन नजोगढ़ रोड के ट्रैफिक को कम करेंगे, हम यहाँ पर कुछ और अल्टरनेट व्यवस्था देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ 10 साल में क्या व्यवस्था दी गई, कहाँ गए वो सारे वादे जो ये करके आए थे? अगर जनता आपको मौका देती है तो आप क्या क्या काम करेंगे उत्तम नगर के अंदर? देखिए, मैं आपको बता दूं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम मोदी जी की नीतियों पर चलने वाले लोग हैं। हम केवल चुनाव में नहीं, हम पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में, हम हमेशा सदैव लोगों के बीच में रहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कोरोना काल ये सब लोग घरों में घुस गए थे, जिस समय त्राही त्राही हो रही थी, हमने उस समय भी लोगों के बीच में जाकर सैनिटाइज करवाया क्षेत्र को, लोगों के घरों को सैनिटाइज किया, हमने मास्क बांटे, हमने ग्लव्स लोगों को बांटे, उनको कच्चा राशन दिया, खाने का राशन दिया। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि पिछले 10 साल से इस क्षेत्र को इतना पीछे धकेल दिया है यहाँ के विधायक ने और केजरीवाल ने कि हम दिन रात काम करेंगे तब जाकर कहीं बराबरी होगी। जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर गंदे पानी की निकासी की है, दूसरी समस्या यहाँ पर पीने के पानी की है, तीसरी समस्या यहाँ पर टूटी हुई सड़कें हैं, चौथी समस्या यहाँ पर मेन नजोगढ़ रोड के जाम मुक्त करने की है, पांचवी समस्या यहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल खोलने की है। तो जो भी जनता की जो आश्वासन हम लोग दे करके आएंगे, जो जनता की समस्याएं होंगी और जो लोग हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो होगा। पिछले 10 साल से दिल्ली में कोई नया राशन कार्ड नहीं बन रहा, पिछले 10 साल से दिल्ली में कोई नई पेंशन नहीं लागू हो रही, तो हम वो सब काम करेंगे। और दिल्ली में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू करेंगे। और जो योजनाएं ये झूठ बोलकर योजना चलाने के नाम पर आए थे, बिजली मुफ्त देने की बात थी, आज इनका सिर्फ ड्रामा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई तो जरूर बिजली मुफ्त देगी। और भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई तो जिस प्रकार से महिलाएं बस से फ्री है वो ऐसे ही जारी रहेगी। देखिए, भाजपा जो कहती है वो करती है। भाजपा क्योंकि एक संपूर्ण मिश्रण है पूरे भारत के लोगों का, दिल्ली में हर एक प्रांत का लोग आकर के रहते हैं, तो धीरे धीरे दिल्ली के लोग समझ रहे हैं झूठ क्या है और सच क्या है। पिछले 11 साल से केजरीवाल झूठ के बहकावे में लेकर के लोगों को आ रहा था, अब लोगों से उसकी जो चतुराई है वो खत्म हो गई है, लोग सच्चाई की तरफ जाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है एक राज्य भारतीय जनता पार्टी की जीत में और जुड़ेगा, और वो राज्य है दिल्ली। उत्तम नगर और दिल्ली की जनता क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने इस सरकार को, आम आदमी पार्टी के बहकावे को पिछले 11 साल से आप देख रहे हैं, अब इनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। मोदी जी पर विश्वास करते हुए, मोदी जी ने जो कहा है वो किया है, तो अब की बार एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बनाए। और जो लोग मन भी बना चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी तो दिल्ली के रुके हुए विकास कार्य और उत्तम नगर जो नरक बन चुका है, नाम उत्तम है लेकिन नरक का जीवन लोग जी रहे हैं, उससे बहुत जल्दी छुटकारा हम लोग दिलवाएंगे। इतना निवेदन करता हूँ, अब की बार दिल्ली में भी भाजपा सरकार। धन्यवाद।